अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रो प्लेटिंग ऑन स्टील। ठीक है, स्टील क्या है बेटा? पेरिटेबल में स्टील का कोई नाम नहीं, क्योंकि स्टील कोई एलिमेंट नहीं है। स्टील क्या है बेटा? अलॉय है। जब आयरन में आप कार्बन को मिक्स करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपोजिशन में उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो वो क्या कहलाता है बेटा? स्टील कहलाता है। ठीक है ना, स्टील कोई एलिमेंट नहीं है। तो क्या होगा बेटा, स्टील के ऊपर इलेक्ट्रो प्लेटिंग करेंगे टिन की। ठीक है, टिन एक एलिमेंट है जो पेरियोडिक टेबल में मौजूद है। ठीक है ना, तो टिन क्या है बेटा? एंटी क्रोजन है। क्रोजन यानी क्रोजन के खिलाफ बहुत मुजाहमत रखता है, इस वजह से टिन की इलेक्ट्रो प्लेटिंग करता है। अक्सर फूड आइटम्स में टिन की प्लेटिंग की जाती है। ठीक है ना, तो आइए इसको पढ़ लेते हैं, टिन की प्लेटिंग किस तरीके से करेंगे बेटा स्टील में। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन आता है तो ये बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस की टॉपिक को आपने अगर कवर कर लिया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन तो आपको पता है, लेकिन फिर भी इसे एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल। क्या है बेटा? प्रोसेस है डिपोजिशन ऑफ मेटल, यानी किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल का डिपॉजिट होना। द प्रॉपर्टी ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल एट द सरफेस ऑफ अदर मेटल, एट द सरफेस ऑफ अदर मेटल थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट होगा। सोचिए, ये एक मार्कर है, मैं इसे चाहता हूँ क्या बना दूँ, मैं इसको सोने के टाइप का बना दूँ, क्या करना पड़ेगा मुझे? गोल्ड को इसके ऊपर इलेक्ट्रो प्लेटिंग करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगी बेटा? गोल्ड वाली सलाहियत आ जाएगी, लेकिन वो गोल्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रो प्लेट हो गया होगा। समझ में आ रही बात? तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल एट द सरफेस ऑफ अदर मेटल थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो प्लेटिंग। इलेक्ट्रोलाइसिस आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है बेटा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, कि नॉन स्पॉन्टेनियस? तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, क्योंकि हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है बेटा? जिसमें से एनर्जी हमें मिलती है केमिकल रिएक्शन होने की वजह से, जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस हमें एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी देनी पड़ती है, तभी ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, इससे पहले हमने जितनी बैटरीज पढ़ी उसमें एनोड का साइन माइनस है, लेकिन अब इलेक्ट्रोलाइसिस है तो एनोड का साइन प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स बैटरी इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बात को समझ लेते हैं। क्या है बेटा? टिन प्लेटिंग करनी है स्टील के ऊपर। तो स्टील स्पून कैन बी प्लेटेड बाय यूजिंग एसिडिफाइड टिन सल्फेट एज इलेक्ट्रोलाइट, यानी स्टील के स्पून को हम क्या कर सकते हैं बेटा? टिन प्लेटेड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग एसिडिफाइड टिन सल्फेट। ये क्या है बेटा? आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। तो टिन की प्लेटिंग करना चाह रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोलाइट भी ऐसा इस्तेमाल करेंगे जिसमें टिन मौजूद होगा। ठीक है, टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है स्टील के ऊपर, तो हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे जिसमें टिन मौजूद होगा। ठीक है, एज इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा टिन इज यूज एज एनोड। टिन को किस तौर पर इस्तेमाल करेंगे बेटा? एनोड। तो ये है बेटा आपके पास एनोड, ये है आपके पास टिन। क्या है? टिन की प्लेट है। ठीक है, और इसको हमने क्या नाम दिया बेटा? एनोड। और एनोड के ऊपर क्या होगा बेटा? प्लस। तो यहाँ बैटरी है आपके पास। क्या है? बैटरी। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और ये बैटरी का माइनस टर्मिनल, तो इस वजह से एनोड के ऊपर बेटा जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? प्लस। और ये स्पून को क्या बनाएंगे बेटा? आप कैथोड बनाएंगे, क्योंकि इसको बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये कैथोड कहलाएगा और इसके ऊपर चार्ज आएगा बेटा नेगेटिव। ठीक है, तो टिन इज यूज एज एनोड एंड स्टील स्पून इज यूज एज कैथोड। दिस इज टिन और दिस इज स्पून। ठीक है, टिन होगा आपके पास एनोड, तो जिसको आपने क्या करवाना है बेटा? डिपॉजिट करना है उसको, आपने हमेशा एनोड पर जोड़ना है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा? ये बैटरी है आपके पास, तो इसके अलावा भी किताब में आके यहाँ पर एम मीटर लगा हुआ है, यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है बेटा, वो करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना, ठीक है, लेकिन उसके कोई मसले की बात नहीं है, उसको छोड़ दें अभी आप। ठीक है, तो वैन करंट पासिस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, तो भाई जैसे ही सोचे अभी सर्किट डिस्कनेक्ट है, सोचे हमने सर्किट जोड़ दिया, बटन दबाया, तारों को जोड़ दिया, सर्किट कनेक्ट हो गया। वैन करंट इज पासिस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ही करंट पास होगा बेटा, यानी बैटरी में क्या होता है बेटा? नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है किस तरफ? ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाएगा स्पून के पास। ठीक है, यानी बैटरी क्या है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ भी करेगा। समझ में आ रही बात? ये टिन जो है यहाँ पे लगा हुआ है, ये टिन क्या करेगा आपके पास? ऑक्सीडेशन करेगा। टिन क्या करेगा बेटा? ऑक्सीडेशन। टिन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। टिन क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, और अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हुए किस तरफ जाएंगे बेटा? कैथोड की तरफ जाएंगे। तो जब टिन में ऑक्सीडेशन होगा, जब इलेक्ट्रॉन इसके लूज होंगे, तो टिन क्या हो जाएगा बेटा? आयनाइज हो जाएगा। ठीक है ना, अभी इसकी रिएक्शन लिखेंगे, बात समझेंगे। ठीक है, पुरानी वीडियो फॉलो करें तो आपके लिए समझ में आ जाएगी, वरना पुरानी वीडियो फॉलो नहीं करें तो मसले होंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हम जोड़ते हैं, क्या होगा बेटा? टिन आयनाइज हो जाएगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो टिन क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन करेगा।
ठीक है। तो जिसको प्लेट करवाना है उसको ऑक्सीडेशन करना बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद व्हेन करंट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टिन आयंस डिपॉजिट एट कैथोड, टिन आयन डिपॉजिट एट कैथोड। तो जैसे ही करंट पास होगा तो टिन आयन मौजूद है वो क्या होगा बेटा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा कैथोड पर और यहाँ से टिन का मेटल ख़त्म होना शुरू होगा। टिन का जो मेटल है वो ख़त्म होना शुरू होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो पॉजिटिव टिन आयन है वो इससे सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में शामिल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा जाएगा तो टिन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लेने के लिए जाएगा। जब उसको लेने के लिए जाएगा तो टिन क्या होगा बेटा, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। टिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से सफ़र करके कैथोड पर आएगा, ठीक है, बैटरी की मदद से। तो टिन जो है सॉल्यूशन में मौजूद होगा, आपके इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा बेटा, मौजूद होगा, ठीक है। वो किस तरफ जाके डिपॉजिट हो जाएगा बेटा, स्पून में डिपॉजिट हो जाएगा और इस तरीके से आपकी टिन प्लेटिंग हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो देखिएगा, पासेस थ्रू द टिन आयंस डिपॉजिट एट कैथोड एज टिन मेटल, ठीक है। किस तौर पर डिपॉजिट होगा बेटा, टिन मेटल पर, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो मेटल में तब्दील हो जाएगा। जरा इसको देखिए, ये क्या है बेटा, Na1+, ठीक है, Na+, ये क्या है, मेटल है कि आयन है, आयन है ना। अब ये क्या बेटा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो क्या बना लेगा, Na। अब क्या है, ये मेटल है, ये अभी आयन है, तो यहाँ पे जो आयनाइज हो गया था वहाँ जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो किस में तब्दील हो जाएगा बेटा, मेटल में तब्दील हो जाएगा। तो टिन इलेक्ट्रोड इज देन चार्ज इनटू टिन आयन, तो जो टिन इलेक्ट्रोड था ये चार्ज हो जाएगा किस में बेटा, टिन आयन में, जैसे ही अब इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। तो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आइए अब इसके रिएक्शन को देख लेते हैं। सोचिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, क्या मौजूद है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट का नाम क्या है, SnSO4, सिन ओ, टिन सल्फेट, क्या है बेटा, टिन सल्फेट। तो ये क्या होगा बेटा, जब इलेक्ट्रोलाइट होता है तो ये पानी में डिसॉल्व है, डिसॉल्व हो सकता है, तो इस फॉर्म में ये डिसॉल्व होगा, ठीक है। किताब में आप कैसे लिखा हुआ, ++, यानी दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और सल्फेट जो है वो दो इलेक्ट्रॉन इससे रख लेता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस फॉर्म में ये पानी में यानी सॉल्यूशन में मौजूद होंगे एज अ इलेक्ट्रोलाइट, एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे ही आप करंट का सोर्स क्या करते हैं बेटा, ऑन करते हैं, तो एड एनोड पर क्या होगा, एड एनोड पर आप जानते हैं ऑक्सीडेशन होगा, हर हाल में इसको याद रख लें, ठीक है। एन ऑक्स मतलब एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, जो SN यानी टिन जो मेटल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, SN++ या 2+ लिख दें, जो मर्जी आप वो लिख दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, 2+, क्लियर। और फिर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, दो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। ये +2+ इंडिकेट कर रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। आगे बढ़ते बेटा, एट कैथोड पर रिएक्शन क्या हो रहा है, तो कैथोड पर क्या होगा बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यानी रिडक्शन होगा कैथोड पर। तो आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे स्टील की स्पून है, तो यहाँ पे क्या है, SN जो है दोबारा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, SN दोबारा इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा बेटा, गेन कर लेगा, जो SN यहाँ पे आयंस मौजूद है। सोचिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, गया, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, एक SN का आयन यहाँ चिपक गया, फिर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक SN का आयन चिपक गया, और ये काम बड़े स्पीड से हो रहा होगा आपके पास, ठीक है। तो ये जो SN है 2+, ये दोबारा कैथोड पर जाके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बना लेगा, SN मेटल, ठीक है, और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और इस तरीके से क्या होगी बेटा, आपकी स्टील की स्पून की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। और कौन सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, टिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, ठीक है। तो तमाम मैकेनिज्म में, तमाम प्रोसेस में यही इसी तरीके से होगा। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।